हिन्दुस्तान के सभी राजनीतिक दलों में पार्टी का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, इस पर देश की हर छोटी मोटी पार्टी को चर्चा करने के लिए जिसने मजबूर कर दिया है, वैसे श्री अमित भाई शाह। जहां तक अमित भाई के दल के प्रति, विचारधारा के प्रति समर्पण का प्रश्न है, उस पर उनके जीवन भर प्रश्न चिन्ह लगाने की कभी गुंजाइश नहीं रही है। मैं अपराजेय योद्धा कहता हूं और आज पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना रुके बिना थके अविरल सतत प्रवास करने वाले, मैंने बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं इतना मेहनत करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक व्यक्ति इतने बड़े रणनीतिकार हो सकते हैं जिनके मन में राष्ट्र के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी और इस विचारधारा को बढ़ाने की तरफ है और जिसके लिए दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। संगठन की रणनीति कैसे होनी चाहिए और पूरी दमदारी के साथ, पूरी आक्रामकता के साथ संगठन को कैसे कार्य करना चाहिए, मुझे लगता है कि इसके कुशल शिल्पी के रूप में, आधुनिक चाणक्य के रूप में आज पूरे देश और दुनिया के अंदर अपने अलग ही पहचान बनाने वाले राष्ट्रीय का मार्गदर्शन तो आपको बढ़ा।